कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को कम करने के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में अब और तेजी देखने को मिलेगी। आपको बता दें, अभी तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की कोविशील्ड ही भारत में टीकाकरण के लिए उपलब्ध थी, लेकिन लगातार बढ़ती मांग के चलते इनमें अब कुछ कमी देखने को मिली, जिसके कारण देश में टीकाकरण की गति कुछ धीमी हुई है। अब ये गति आपको जल्दी बहुत तेज गति से देखने को मिलेगी। आपको बता दें, इसकी बड़ी वजह अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेडीज ने स्पुतनिक वी, जो कि रूस से मिली, इसके साथ कोविड 19 टीकाकरण की घोषणा की। आपको बता दें, अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज ने सोमवार को कहा कि उन्होंने स्पुतनिक वी के साथ कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए गठबंधन किया। एक बयान के मुताबिक, टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत अपोलो के केंद्रों में सोमवार को हैदराबाद में और इसके बाद मंगलवार 18 मई को विशाखापट्टनम में की जाएगी। आपको बता दें, इसके बाद टीकाकरण का कार्यक्रम का विस्तार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे में किया जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने कहा है कि अपोलो को एक महीने की अवधि में कोविड 19 वैक्सीन की लगभग 10,00,000 खुराकें मिलेंगी। उन्होंने ट्वीट किया और यह बताते हुए खुशी की कि अपोलो हॉस्पिटल ने भारत में इस्तेमाल की इजाज़त पाने वाली पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ साझेदारी की है। इसके साथ ही हमें लोगों के टीकाकरण के लिए एक महीने में 10,00,000 से अधिक खुराकें मिलेंगी। टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा, जिसमें कोविन पर पंजीकरण शामिल है। आपको बता दें, अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन हरि प्रसाद ने कहा कि इस पायलट चरण के जरिए डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो की व्यवस्थाओं तथा कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स का परीक्षण करने में मदद मिलेगी। हमें भरोसा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन के साथ हम कोविड वैक्सीन की उपलब्धता और पहुँच को आसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो ये बड़ी खबर है भारतवासियों के लिए। आपको बता दें कि वैक्सीन की जो कमी अब देखने को मिल रही है, उसकी रफ्तार अब जल्दी तेज होने वाली है, क्योंकि अभी तक केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही उपलब्ध थी, लेकिन अब जल्द ही इस के आने के बाद में, इस रूसी स्पुतनिक वी के बाद में, अब वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होने वाली है। आज के वीडियो में साथियों, बस इतना ही। नमस्कार।